आइए अब देखें कल के भास्कर को विजय के साथ एक नए आउटलेट में। ध्यान दें कि उन्होंने विजय को ट्रेन करते हुए क्या क्या सही किया और क्या क्या गलत, कैसे कल के भास्कर ने डेमोन्स्ट्रेट किया और कैसे वो विजय को उसे प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं। देखो ठीक टाइम पे पहुंच गया ना। बिल्कुल सर। अच्छा ये एक दुकान है जिसमें हम अभी नहीं बेचते, पहले इसे कर लेते। सर उसकी उधारी वाली प्रॉब्लम है। कुछ नहीं होता, वो मैं देख लूंगा, वो पवन जी की प्रॉब्लम है। चलो चलते हैं। हाँ चलिए। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। मैं गोदरेज से हूँ। विजय आप आगे बताएं। गोदरेज में बहुत से प्रोडक्ट हैं जैसे गुड नाइट हिट वगैरह वगैरह। हाँ इन सबका नाम सुना हुआ है मैंने। जी हाँ हम उसी कंपनी से हैं। राधेश श्याम जी आपने नाम तो सुना है, अब शुरू किससे करेंगे, अभी तो सीजन भी है। सीजन? अरे क्या इनका भी कोई सीजन होता है? हाँ राधेश श्याम जी, जब मच्छर ज्यादा होते हैं जैसे अभी हैं तो अभी सीजन है। पर कुछ आइटम्स ब्रिल क्रीम इत्यादि सारे साल बिकते हैं, तो इनकी सेल तो सारे साल ही रहेगी, तो आप पूरी रेंज से ही शुरू कर दे। विजय आप लिखिए 12 पीस जंबो कॉइल। अरे भाई ये जंबो कॉइल क्या होता है? विजय अपना डिटेलर दिखाना। सर वो तो मैं लाया नहीं। हमारा कॉइल सबसे ज्यादा बिकता है इसीलिए ये सबसे खास है, आप 12 पीस से शुरुआत कीजिए। भाई वो तो ठीक है, लेकिन 12 पीस कितने में आएंगे और मेरा मार्जिन क्या होगा? तो ठीक है आपका स्टॉक कल आ जाएगा। सेठ जी आप गुड नाइट रिफिल और एक्टिव रिफिल भी ले लीजिए, आज आप इसके 6-6 पीस ही ले लो, इसमें मार्जिन भी अच्छा है और आपकी सेल भी अच्छी होगी। तो ठीक है 6 पीस लिख दो। राधे श्याम जी ये स्टॉक आपका कल आ जाएगा, आपकी बिलिंग किस नाम से होगी? राधे श्याम जनरल स्टोर। सेठ जी मैं आपका शॉप की डिटेल्स और आपका नाम अपने रिकॉर्ड में लिख लेता हूँ। ठीक है सेठ जी आपका स्टॉक कल आ जाएगा। धन्यवाद राधे श्याम जी। तो अब अपने ग्रुप में डिस्कस करें कि कल के भास्कर ने आउटलेट में क्या सही किया और क्या गलत।